हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, हमारा अध्याय एक का चैप्टर है अलाभकारी संस्थाओं के लेखे। इसके अंदर मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो के अंतर्गत एक कमेंट आया था प्रिया केवट का, जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे। निम्न प्राप्ति एवं भुगतान खाता और तुलन पत्र द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और तुलन पत्र तैयार कीजिए। तो नीचे आपको 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता दिया गया है। इसके अलावा आपको एक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र भी दिया गया है। आपको कहा गया है कि आय और व्यय खाता तैयार कीजिए और एक तुलन पत्र तैयार कीजिए। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है वो कैसे तैयार होगा, कौन कौन से आइटम्स इसके अंदर आएंगे और बैलेंस शीट का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक प्राप्ति और भुगतान खाता दिया गया था बुक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो आपको सबसे पहले प्रवेश शुल्क देखना है, 2800 रुपये का जो प्रवेश शुल्क है। अगर एक्सपेंसेस में अगर रिकॉर्ड करना चाहो पहले एक्सपेंसेस लिख सकते हो, अगर इनकम में अगर रिकॉर्ड करना चाहो तो इनकम में लिख सकते हो। तो पहले एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस में देखिए, पहला एक्सपेंसेस आपका वेतन का, यानी कि सैलरी का, सैलरी है। इसके अंदर आपको 4000, 2017-18 की जो सैलरी है वो है 4000 रुपये, वो आपको लिख देने हैं। 16-17 से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अखबार बेचे तो अखबार से जो 700 रुपये प्राप्त हुए वो लिख दीजिए। इसके अलावा 800 रुपये का दूरभाष, यानी टेलीफोन का जो खर्चा है 800 रुपये वो आ गए। इसके अलावा विविध व्यय है आपके 1000 रुपये का, वो आ गया। और कोई खर्चे आपको नहीं लिखने, सिर्फ ये चार खर्चे लिखने हैं, एक तो वेतन का, एक टेलीफोन का यानी दूरभाष का, एक न्यूज़पेपर यानी अखबार का, और एक विविध एक्सपेंसेस, विविध जो खर्चे हैं व्यय हैं वो, ये चार आइटम आ गए। उसके बाद में हम चलते हैं इनकम के ऊपर। इनकम के अंदर आपके जो अनुदान आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 22000 रुपये का, 2017-18 का। जो चंदा आपको दिया गया है 16-17 का दिया गया है और 17-18 का दिया गया है। तो 17-18 का आपका चंदा है 22000 रुपये, इंग्लिश में उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसके अलावा आपको 1000 रुपये का एडवांस दिया गया है, कि एडवांस में चंदा आपको मिल गया जो तुलन पत्र के अंदर आपको दिया गया है, तो वो हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएंगे 23000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा लोकर रेंट, लोकर का जो किराया दिया गया है वो दिया गया 1000 रुपये। इसके अलावा तुलन पत्र में आपको एडवांस में दिया गया है 200 रुपये, तो वो भी ऐड कर देंगे, तो 1200 रुपये हो जाएंगे। एंट्रेंस फीस यानी प्रवेश शुल्क आपको दिया गया 2800 रुपये। और जो सरकारी सहायता यानी गवर्नमेंट्स की जो ग्रांट्स है, सरकारी सहायता है, वो आपको 11000 रुपये दी गई है। तो प्रिया केवट जी ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये जो इनकम है इनको हमने ऐड कर लिया तो आए 38000 रुपये, ठीक है। और वही टोटल हम इधर लिखेंगे, दोनों साइडों का टोटल हम बराबर करेंगे 38 और 38, क्योंकि जो एक्सपेंसेस का जो ये चार आइटम का जो टोटल है वो इस 38000 रुपये से कम है। और इसके अंदर जो 31500 रुपये हमारे आधिक्य के रूप में यानी सरप्लस के रूप में जो बचेंगे वो आएंगे 31500 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। उसके बाद बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में सबसे हम एसेट साइड की बात करते हैं। एसेट साइड में जो कैश इन हैंड है 2500 रुपये, वो हमारे प्राप्ति और भुगतान खाते का जो कैश इन हैंड दिया गया है अंतिम 2500 रुपये वो आ गए। बिल्डिंग के दिए गए आपको 35000 रुपये वो आ गए। 2000 रुपये आपको भवन के दिए गए यानी भूमि के, लैंड के 2000 रुपये हैं। 20000 रुपये हैं लैंड के, 20000 रुपये वो आ गए। डिफेंस बॉन्ड आ गए 18000 रुपये का, जो कि आपको प्राप्ति और भुगतान खाते के अंदर दिया गया, भुगतान पक्ष में 18000 रुपये का वो आ गया। फर्नीचर आपको दिया गया 4000 रुपये का, तो फर्नीचर आ गया। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 2005 में, तो 3000 तो वो, और 2000 रुपये हमने अग्रिम के जो लिए थे यानी अप्राप्त थे अग्रिम के, वो कम कर दिए। अप्राप्त चंदा 3000 में से 2000 रुपये कम कर दिए, तो हमारे पास बचा 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर देखिए बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल दिया गया था आपको 36800 रुपये। उसके अंदर लाइफ मेंबरशिप, जो जीवन का जो सदस्यता शुल्क था, आजीवन सदस्यता शुल्क, वो तो ऐड कर देंगे। और जो हमारे पास जो सरप्लस आया 31500 रुपये का, वो लेस कर देंगे, तो आएगा 69500। ये कैपिटल का पूरा हो गया। उसके बाद में जो बकाया वेतन है वो आपका 1000 रुपये रहेगा। लोन आपका 10000 रुपये आपको दिया गया है। और इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा 11 वाला। अगर इसी तरह आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो चैप्टर नंबर 1 के अलाभकारी संस्थाओं के लेखे में, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एग्जांपल है, अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।